नमस्कार सज्जनों, एक और नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब लोग बढ़िया हैं यहां पर, आशा करता हूं आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो आज मेरा हो रहा है हिमालय का ट्रेकिंग, तो मैं काफ़ी दूर जाने वाला हूं। आज वैसे बारिश भी हो रहा है, मौसम आप देख सकते हैं पहाड़ों में कोहरा लग चुका है। तो मैं छाता ओढ़ के, मास्क लगा के, सेफ्टी के साथ में मैं आज हिमालय का ट्रेकिंग करने जा रहा हूँ। अगर आप भी मेरे साथ हिमालय का ट्रेकिंग करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डिफ़िकल्टी फील होती जाती है, क्योंकि चढ़ाई में चढ़ते हुए सांस फूलता है और ऑक्सीजन की भी कमी होती है। लेकिन मैं अभी ज़्यादा हाइट पर तो नहीं आया हूँ, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा हूँ। आज देखिए मौसम कुछ ऐसा है कि साल की पत्तियाँ सारी गीली हो चुकी है, क्योंकि हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। मैं काफ़ी ऊपर चढ़ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कोहरा फोग ऊपर की ओर चढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन होएगा ये ऊपर पहाड़ी की ओर चढ़ता जाएगा, जिसका हम ब्यूटीफुल दृश्य ऊपर हिमालय के पीक से देखने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में। हाँ यार दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करना। इतना मेहनत से मैं नेपाल के हिमालय पहाड़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहता हूँ। आफ्टर 1 आवर पहुँच गया हूँ लगभग। यहाँ से गहरी खाली नदी को है, तो ऑल द डे आप देख सकते हैं सारा फोगी फोगी डे, और थोड़ा थोड़ा ड्रिजल भी हो रहा है। मैंने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है इसीलिए। तो यू कैन लुक देयर, हम जाने वाले हैं वहाँ पर यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए। तो आजकल नेपाल में कोरोना के कारण लॉकडाउन भी चल रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन ज़रूरी काम काज के कारण तो निकलते ही हैं। और मैं तो ठहरा घूमने वाला बंदा, तो चल पड़ा हूँ अपने रास्ते विद मास्क। महत्वपूर्ण सर्विसेज के अलावा सारी सेवाएं अभी बंद है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते सारा बाजार लॉकडाउन में है। तो सुबह सुबह 9 बजे तक ही यहां पर ज़रूरी सामान के लिए दुकानें शॉप्स ओपन किया जाते हैं, बाकी समय में ऑल डे क्लोज। देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी दूर से पैदल चला और चलते चलते इतने ठंड में भी पसीने आ गए, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो वहाँ से उस ओर जहाँ पहाड़ देख रहे हैं उसके ठीक नीचे से मैं चलते चलते यहाँ से आया और आगे चलते रह रहा हूँ। देखिए मेरे पीछे कोहरा कितना है, अगर हम वहाँ पर पहुँच जाएँ तो उसका मज़ा ही कुछ और है। हम वहीं पर पहुँचेंगे आज, उस कोहरे के पास में हम उसके अंदर घुस के देखेंगे कि कैसा दिखता है वहाँ से चारों ओर का नज़ारा और हमें कैसा महसूस होता है। उर्रे,
मैं घने कोहरे के अंदर में एंट्री कर चुका हूँ। कोहरा इस साइड में नज़दीकी है मेरे सामने ठीक नीचे, और चारों तरफ का दृश्य कुछ ऐसा है जो कि एक कुक 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 चिड़िया भी बास रहा है उधर से। तो कोहरा कितना घना है, जमीन से लेके आसमान तक टच करता हुआ यह सफ़ेद सफ़ेद कोहरा। हमारे यहाँ इसको कुइरो बोलते हैं, आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं कमेंट में नीचे करके मुझे बताइए। तो इस कोहरे को आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। ये सबसे हाइट वाला पहाड़ी है, इससे भी और भी हाइट में हम चढ़ते जाएंगे। अब यहाँ से आप दृश्य अवलोकन कर लीजिए, आज का दिन कैसा हो रहा है इसके बारे में। देखिए हरे राम, कोहरा खतरनाक कोहरा। कुछ इस तरीके का कोहरा दिख रहा है। देखिए हम लोग घने कोहरे से आच्छादित पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से चारों ओर का दृश्य आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये नीचे छिद्रैना गांव उस साइड को है जहाँ पर ज़्यादा घना कोहरा है, बाकी इधर एक गांव है, सारे जितने भी मानव बस्ती है इधर, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से ऊपर की ओर, तो चलते हैं। गर्मी हो रहा था दोस्तों, अभी ठंडा महसूस हो रहा है, काफी कूल कूल एकदम। हम लोग आ चुके हैं हिमालय के पीक में, तो वेलकम टू जाजरकोट के हिमालय के पीक में। दोस्तों रोड देखो इधर कितना डेंजरस है, यहाँ से नीचे को भी पहाड़ी है, यहाँ से नीचे को भी पहाड़ी है, देखो दोस्तों। लेकिन रोड है इतना कम, तो यहाँ पर LP गाड़ियाँ चलती है, तो पहाड़ी के हम ठीक ऊपर सेंटर पॉइंट पर है। ये देखिए यहाँ से अगर चले गए तो नीचे क्या हाल होगा, फिर यहाँ से भी देखिए ऐसे डेंजरस रोड होते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ इससे भी खतरनाक रोड आगे चल के देखिए, वहाँ पर कितनी चढ़ाई पर है, और घुमाने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी खड़ी चढ़ाई पर रोड बना दिए गए हैं। तो भाई हम लोग है नेपाली बंदे, इसके ऊपर बाइक कुदाते रहते हैं 60-70 की स्पीड में, इसके ऊपर बाइक चलाते हैं। तो देखिए देख लीजिए रोड का हालत, यहाँ से कितनी खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से आते हुए नीचे को ढाल है, और यहाँ से जब आप आएंगे तो टर्निंग पॉइंट देखिए कितनी चढ़ाई पर है टर्निंग पॉइंट, वो भी थोड़ा सा है, यहाँ से घुमाना पड़ता है गाड़ी। तो यहाँ से बाई चांस उधर को चले गया तो सोच लो फिर हड्डी भी नहीं मिलने वाले हैं। और यहाँ से देखिए आप, अगर यहाँ से कोई लुढ़क गया ऐसे जगहों से, अगर बाइक उछल के लुढ़क गया तो नीचे सोच लो कहाँ पहुँचेगा, नीचे देख लो। नेपाल में ऐसे ही डेंजरस रोड होते हैं, इससे भी खतरनाक रोड दिखाऊंगा आने वाले ब्लॉग्स में। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए लाइक करो शेयर करो, लाइक तो कोई करते नहीं हो। इतनी चढ़ाई में मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये चारों तरफ कोहरा। जब हवा का झोंक लगता है, जिधर हवा बहती है उधर का ही कोहरा बहता है, कभी फिर इधर को आता है कभी ऊपर को जाता है, कुछ ऐसा है।
इस समय हम लोग है हिमालय के हाइट पर और यहाँ से दिखने वाला नज़ारा कुछ ऐसा है। घना कोहरा है, थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं। आज पूरा दिन बारिश है भाई, बारिश है आज पूरा दिन बारिश है। इन जंगलों में चलने का मजा ही कुछ अलग है। अगर आप ऐसे जंगलों के रास्ते में आएंगे तो खोने का भी डर होता है, अकेले में तो और भी ज्यादा चांसेस है खोने का। देखिए अभी कितना घनघोर जंगल में अभी बज रहे हैं 3, तो ऐसे जंगलों में चलना थोड़ा जोखिमपूर्ण भी होता है, लेकिन क्या करें, मैं चल रहा हूँ। ऐसे हिमालय के जंगलों में देख सकते हैं आप इस साइड में, और बारिश भी हो रहा है। यहाँ पर छाता खोलने का चांस नहीं है, इसलिए बंद है छाता, तो क्योंकि इधर झाड़ियाँ उग रहा है इसलिए। और यहाँ से कोई अगर आदमी लुढ़क गया तो सोच लो फिर क्या होने वाला है नीचे, मजा आ जाएगा यहाँ से लुढ़क गया तो। ऐसा घनघोर जंगल में और ऊपर से कोहरा, और हो आप अकेले तो कैसा महसूस करोगे इसे कमेंट में बताओ मुझे। देखिए कोहरा कैसा लग गया, पूरा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी मैं नेटा बाजार से थोड़ा आगे आ चुका हूँ और चारों तरफ का दृश्य आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड में शाम का समय है, समय 5 बज चुका है, तो काफ़ी खूबसूरत एकदम। इस साइड में पूरा कोहरा चला गया है ऊपर की ओर। अब तो इस वीडियो को यहीं पर रोकने का समय भी आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखना है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ, और फिर इस वीडियो को और दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सकें। फिर कल मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।